मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज मैं दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार जिसे नरक चतुर्दशी के भी नाम से जानते हैं, चतुर्दशी के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्र लक्ष्मी, उनकी पूजा करके कूड़ा करकट घर से बाहर किया जाता है और उन स्थानों पर दीप जलाया जाता है जिन स्थानों पर हम अपने घर के कूड़े करकट रखते थे। उन कोनों में भी दीप जलाया जाता है जहां कभी भी हमने दीप जलाया नहीं है। ऐसी स्थिति में नरक चतुर्दशी को दरिद्रा नाशक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन हम अपने दरिद्र को घर से बाहर करते हैं और इसी के दिन रूप चौदस, इस नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा गया है। घर की स्त्रियों को इस दिन स्नान ध्यान करके उबटन से स्नान करती हैं स्त्रियां और श्रृंगार करना चाहिए क्योंकि दूसरे दिन महालक्ष्मी आने वाली हैं। दीपावली के दिन महालक्ष्मी आने वाली हैं तो जैसे हम किसी मेहमान के आने पर कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं उस समय हम घर की साफ सफाई और हम अपने वस्त्रों को सही करके घर की वस्तुओं को सही जगह पर स्थापित करके हम मेहमान का इंतज़ार करते हैं कि अभी हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण मेहमान जिसे हम माँ लक्ष्मी के नाम से जानते हैं वह आने वाले हों तो आदमी कितना सुंदर अपने आप को सजा करके संवार करके उनकी आगवानी के लिए खड़ा होता है कि माँ आप पधारिए मेरे घर में। तो इस दिन सबसे पहली बात होनी चाहिए कि शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के पहले घर के परिवार वालों को स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि सूर्योदय के बाद के स्नान करने वाले लोगों को शास्त्रों के अनुसार भाग्य का नाश होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले स्नान करें, फिर अपने आप पूजा पाठ होम हवन जो भी आप करते हैं नित्य क्रिया करने के बाद में आप अपने वस्त्र वगैरह पहन करके धारण करके अच्छे ढंग से स्त्रियां अपने को सजा करके संवार करके घर में पूजा पाठ करती हैं, शाम को दीप जलाती हैं और माँ दरिद्रा को घर से बाहर जाने के लिए प्रार्थना करती हैं। इस तरह से नरक चतुर्दशी का त्यौहार अपने आप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि इसी दिन दरिद्र का नाश होता है। मैं चाहता हूँ कि घर की स्त्रियों को ये चाहिए कि ढंग से माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, उनकी पूजा करें, उनके लिए जितना हो सके अपने तन मन धन से सेवा करके घर की साफ सफाई करके अपने परिवार को पूर्ण रूप से सजाकर संवारकर द्वार पर दीप जला करके आगवानी के लिए तैयार रहें क्योंकि दूसरे दिन माँ लक्ष्मी आ रही हैं। धन्यवाद।